नमस्कार दोस्तों, तो आज हम प्रयास में प्रयास करेंगे पंजाबी स्टाइल राजमा बनाने का, और आपको एक ऐसी रेसिपी देने की कोशिश करेंगे जो कि आसान हो लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार हो। तो दोस्तों, हमने लिए हैं 3 कप राजमा। इनको हमने रात को भिगो दिया था। बॉयल करते वक्त अगर तो आपको राजमा चाहिए बिल्कुल खड़े खड़े, तो पानी डालिए राजमा के लेवल तक, और अगर आपको ज़्यादा गले चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। आधा नमक जाएगा अभी बॉयल करते वक्त और आधा नमक जाएगा बाद में मसाले में, और हमें इसकी 2 विसल्स लगवा लेनी है। सबसे पहले हमने मसाले रोस्ट करने हैं, तो हमने ली है 1 मोटी इलायची, 1 स्टार एनीस, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और 7-8 काली मिर्च। इनको हमें बिल्कुल लो हीट पे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना। हमें इनका सिर्फ मॉइस्चर खत्म करना है, मसालों का कलर नहीं बदलना, इनको जलाना नहीं। मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और अब उसमें जाएंगे हमारे पहले से रोस्टेड मसाले, और साथ हम डालेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज प्याज, इनको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। मोटा काटने के पीछे एक कारण है जिसका आपको बाद में पता चल जाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे 5 से 6 हरी मिर्च साबुत, अदरक मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और अब हम ये सारी चीज़ें मोटे मोटे टुकड़ों में इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बाद में हमें इसको पेस्ट में कन्वर्ट करना है, और हमें इन सारी चीज़ों को पकाना है प्याज के हल्का नरम होने तक। अब प्याज क्योंकि नरम हो गया है तो नमक मिलाएंगे अपने स्वाद अनुसार, और 4 टमाटर मोटे मोटे टुकड़ों में कटे हुए, और अभी हमें इसे फिर से पकाना है टमाटर के नरम होने तक। अभी जैसे कि टमाटर पूरी तरीके से गल गया है तो हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, और फिर हल्दी को 1 मिनट के लिए पका लेंगे, और फिर हम फ्लेम कर देंगे ऑफ, और मसाले को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है। तो चलिए 2 विसल के बाद हम अपने राजमा चेक कर लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं राजमा सारे साबुत भी हैं और अच्छे से गल भी गए, तो ये तैयार है। मसाला जैसे कि ठंडा हो गया है तो इसका पेस्ट बना लेते हैं। हम डिश सेम पैन में बना रहे हैं तो इसलिए उसमें पहले मिलाएंगे थोड़ा देसी घी, और देसी घी को हम तड़का लगाएंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का। देसी घी और कश्मीरी लाल मिर्च, ये दोनों राजमा को एक बहुत अच्छी रंगत देंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे अपना पेस्ट। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि तेल मसाले से अलग नहीं हो जाता। पांच मिनट की भुनाई के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि तेल मसाले से अलग हो गया है, तो अब हम इसमें अपने उबले हुए राजमा मिलाएंगे।
हमारे घर में जैसे कि थिक ग्रेवी पसंद करते हैं, तो हमने ग्रेवी इस तरीके की गाढ़ी रखी है। अब यही स्टेज है कि अगर आप थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद हमें फिर से इसे 10 मिनट के लिए पकाना है और फिर राजमा तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, पंजाबी स्टाइल राजमा बनके तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, पंजाबी स्टाइल राजमा बनके तैयार है। इसको चावल के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।